नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में पीजीटी टीचरों की भर्ती आ चुकी है, तो इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की डिटेल सिलेबस बताऊंगा। स्क्रीन पे आपको सारी बातें दिख जाएगी। अब ये फेस कैम बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली होना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप KBS, NBS, DSSB, UP, TGT के पेपर को देख सकते हो, PGT के पेपर को देख सकते हो, जिससे आप आइडिया लगा सको कि PGT का स्टैंडर्ड क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक मैच करता है केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से, या फिर DSSB हो, या फिर एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी हो, वो सारे टॉपिक को आप कॉमन करके पढ़ सकते हो। ये तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप 99 रुपीज़ में खरीद सकते हो, चाहो तो 49 में सिर्फ झारखंड PGT के इकोनॉमिक्स पेपर को ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsinghsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinghsingh। तो चलिए सिलेबस डिटेल्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस आपके स्क्रीन पे पूरी डिटेल्स में सिलेबस में डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। देखिए, पेपर वन में आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 60 प्रश्न हिंदी के, 60 प्रश्न इंग्लिश के हैं। याद रखिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट में कोई भी जो है ऐड नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 30% से कम लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो हिंदी अंग्रेजी आपको जाना ज़रूरी है। इसके अलावा पेपर टू में क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, ये सब प्रश्न होंगे। इसमें भी आपको 30% लाना ज़रूरी है, 30% लाना ज़रूरी है। पेपर थ्री में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। जो आपका विशिष्ट सब्जेक्ट है, जो स्पेशल सब्जेक्ट है ना, जैसे किसी का हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, तो वहाँ से प्रश्न आएंगे। याद रखिएगा, आपका अपने सब्जेक्ट में 30% लाना ज़रूरी है। समान ज्ञान, समान गणित और समान अध्ययन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स की जो डिटेल सिलेबस है ना, वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, वेट अ मिनट, इकोनॉमिक्स की सिलेबस नीचे आ जाएगी, आप देख सकते हो। वेट, जी हाँ, यहाँ से देख लीजिए इकोनॉमिक्स की जो सिलेबस है। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। सारे चीज़ों को आप यहाँ से वन बाय वन समझ लीजिए। और याद रखिएगा, एरोज की जो इम्पॉसिबिलिटीज थ्योरम है, उसे पढ़ना है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एडवांस माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को पढ़ना है। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपको देख लेना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आएंगे आपके, और हिंदी में भी सिलेबस होगा, मैं आगे दिखा दूंगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंडियन इकोनॉमिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। द प्री लिबरलाइजेशन एरा, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और आगे देख लीजिए, यहाँ आगे मैथमेटिक्स का है, तो इंग्लिश में ही आपको यहाँ सिलेबस देखने को मिलेगा। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में भी आपको पढ़ना है, तो इन चीज़ों को देख लीजिए आप अच्छे से। मैं एक बार फिर से आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इकोनॉमिक्स का, स्क्रीनशॉट लीजिए टॉपिक 1 से 2 तक। अब यहाँ से आप 3 का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे देख लीजिए ये 4 का स्क्रीन है, इसके अलावा ये रहा 4 का सी तक। अब यहाँ से आप 5 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड सो ऑन, ये फाइनली यहाँ पे आपको दिख जाएगा 6 का। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। और आगे मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तो आगे अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बता दें कि आपका अलग सब्जेक्ट था, और आप इस वीडियो को किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।